प्लास्टिक बैन। बजरंगी क्या हुआ? अंकुश तुम आगे बढ़ो, मैं जरा आम खा लूं। बजरंगी तुम और तुम्हारे आम, तुम पीछे छूट जाओगे। बजरंगी और पीछे? अरे देखते हैं अंकुश। अरे ये क्या हुआ? अब क्या करूं? बजरंगी ये अंकुश को क्या हुआ? बजरंगी मेरी साइकिल। थैंक यू बजरंगी। देखो बजरंगी, इस खेल के मैदान को प्लास्टिक डाल के कचरे का ढेर बना दिया है। इनमें से ही एक प्लास्टिक मेरे चेहरे पर चिपक गया था। पता नहीं लोग प्लास्टिक ऐसे क्यों फेंक देते हैं। मेरा बस चले तो मैं प्लास्टिक ही बैन कर दूं। नेकी और पूछ मतलब? मतलब नेक काम करने के लिए मेरी पूछ हमेशा रेडी होती है। चलो मिशन प्लास्टिक सफाई शुरू। और ये लगा सिक्सर। प्लास्टिक टीम की गेंद सीधे आउट ऑफ पार्क। पापा देखो अंकुश को रोड की सफाई कर रहा है। ड्राइवर गाड़ी रोको। अंकुश ये क्या कर रहे हो? अंकल प्लास्टिक साफ कर रहा हूँ। इतने सारे प्लास्टिक की वजह से सबको परेशानी होती है। इतने सारे प्लास्टिक, ये तो बड़े काम की चीज है। क्यों ना मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री लगाऊं? वेस्ट से बेस्ट। वाह तोता राम वाह, क्या दिमाग पाया है। बेटा अंकुश तुम ये सब रहने दो, हैं? अब मैं फनीपुरा के सारे प्लास्टिक साफ कर दूंगा। अंकुश ये तोताराम अंकल की सोच इतनी कैसी बदल गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। बजरंगी हमारा प्लास्टिक साफ करने का काम तो हो जाएगा ना बस। तोताराम मुझे फनीपुरा के सारे प्लास्टिक यहाँ चाहिए, समझे? मैं एक नया प्लास्टिक फैक्ट्री लगाऊंगा और उन प्लास्टिक से नए प्रोडक्ट बना के सस्ते दामों में सबको बेचूंगा और लाखों कमाऊंगा। वाह जीजू क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल मेरी तरह सोते सोते। अब फनीपुरा में बस मेरे प्लास्टिक के प्रोडक्ट ही दिखेंगे, चम्मच से लेके बकेट तक और टेबल से लेके कुर्सी तक हर चीज प्लास्टिक की होगी। कुर्सी से याद आया, मंत्री जी को फोन करना है। अच्छा तो इसीलिए तोताराम अंकल ने प्लास्टिक साफ करने की बात की थी। बजरंगी ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स और धुएं से पूरे शहर को नुकसान होगा। हेलो
नेताजी, मैंने वेस्ट से बेस्ट फैक्ट्री खोली है, जिससे धरती का कचरा खत्म होकर उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। वाह सोताराम जी वाह, आपको तो बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलना चाहिए। अरे सोताराम, नेताजी मुझे अवार्ड देने के लिए खुद आ रहे हैं। है? अंकुश, अब तो नेताजी ही इनकी फैक्ट्री बंद करेंगे। अरे ये धुआं कहाँ से आ गया और इतनी बदबू, क्या हुआ नेताजी? अरे ये फनीपुरा में इतना धुआं कहाँ से आ गया? अंकल, ये धुआं तो तोताराम अंकल के प्लास्टिक फैक्ट्री से आ रहा है, और सिर्फ आप नहीं पूरा शहर परेशान है। तोताराम, क्या ये सही है, ये धुआं तुम्हारी फैक्ट्री से आ रहा है? अरे नहीं नेताजी, मैं सबके भले के लिए काम करता हूँ। आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ गए। तो चलो तुम्हारी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करवाते हैं। अरे अरे सर जी, जरूर जरूर, लेकिन पहले आप मुझे अवार्ड देने आए हैं ना, वो कर लेते हैं। लोग रुके हुए हैं। सोताराम, जल्दी से फैक्ट्री में से सारा प्लास्टिक कचरा छुपा दो, नेताजी कभी भी आ सकते हैं। आइए। अरे ये पानी कहाँ से लाया? लगता है किसी पानी में प्लास्टिक घोल के दे दिया है। अंकिल, ये तो तोताराम इंडस्ट्रीज के प्लास्टिक ग्लास है। देखिए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। लगता है इस बच्चे ने आपको कोई गंदा पानी पिला दिया है। अंकुश, ये कौन से गंदे टंकी का पानी लाके दिया है, है? आप बैठिए मंत्री जी। अरे ये कैसी कुर्सी है? नेताजी देखो, ये भी तो तोताराम अंकल की फैक्ट्री में बनी कुर्सी है। अरे मैं भी तो उसी कुर्सी में बैठा हूँ, मुझे तो कुछ। तोताराम, अब तुम्हें क्या कहना है? सर जी, ये मुझे फंसाने की साजिश है। तो चलो फिर देखते हैं तुम्हारी फैक्ट्री, और हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए नेताजी, मैंने पहले ही कहा था यहाँ कोई धुआं नहीं है और ना ही प्लास्टिक का गंदा सामान है। देखिए अंकुश, मुझे तो लगता है ये सारी शैतानी तुमने ही की थी। नेताजी छोड़िए, बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं, है ना? आप वो अवार्ड मुझे दे दीजिए। ओ, ये क्या कर दिया इन्होंने, सब साफ। ओ, ये इधर क्या रखा है, जरा देखूं तो। ओ, अच्छा तो ये रहा सारा प्लास्टिक कचरा। अरे अरे तूफान कैसा, ये कहाँ से, ऐसा तूफान तो मैंने कभी नहीं देखा। नेताजी जल्दी चलिए यहाँ से, गाड़ी की तरफ चलिए। बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये प्लास्टिक के कहर से बचाओ। बजरंगी, नेताजी को बचाओ। ए,
ये इतना सारा प्लास्टिक का कचरा मणिपुरा में अचानक कहाँ से आ गया? देखा नेताजी, मैंने तो पहले ही कहा था। जीजाजी बंद करो अपनी ये गंदी फैक्ट्री, इस धुएं से जान छुड़ाओ सोते सोते। दिल, अब तो मान जाओ कि प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है। प्लास्टिक की वजह से पेड़ों को नुकसान होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। यही नहीं, समुद्र में प्लास्टिक की वजह से मछलियाँ भी बीमार हो जाती है, और प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। आज के बाद पूरे फनीपुरा में प्लास्टिक बैन होगा, सारा गंदा प्लास्टिक बैन। जो प्लास्टिक यूज होगा वो रूल के हिसाब से यूज होगा, अच्छा वाला प्लास्टिक यूज होगा, और अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक बैन। तो अंकल, इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए।